नमस्कार। बहुत से लोगों ने पूछा है कि शरीर का ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़ाएं। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। आपके साथ साथ कई लोगों का भला हो जाएगा, क्योंकि इस बीमारी से बहुत से लोग पीड़ित हैं। धमनियों और नसों में रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन कम होना बहुत सी बीमारियों का संकेत होता है। इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा। जैसे हमारे शरीर के अंगों को, हमारे शरीर की धातुओं को, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और अंदरूनी अंग, फेफड़े, लीवर, गुर्दे या बहुत सारे अंग हैं जिनमें रक्त संचार उचित मात्रा में होना बहुत ज़रूरी होता है। ऑक्सीजन जैसे ज़रूरी होता है ना, वैसे ही ये ज़रूरी होता है। अगर कम होता है तो उससे कई तरह के रोग हमें लग जाते हैं। अब मैं आपको इसके लक्षण बताता हूँ। ज़्यादातर लोगों में लक्षण के रूप में देखा जाता है उनके हाथों में, पैरों में सूनापन होता है, झंझनाहट हो जाती है। जैसे ऐसे रख के सोएंगे तो हाथ सुन्न हो जाएगा, चौकड़ी मार के बैठेंगे तो पैर सुन्न हो जाएंगे, उकड़ू बैठेंगे, पंजे के बल बैठेंगे तो पैर सुन्न हो जाएंगे, बड़ी देर तक पैर को पटकते रहेंगे। हाथ या पैर, किसी के पैर ठंडे रहते हैं, यहाँ से ऊपर शरीर गर्म रहता है। कई लोगों का क्या होता है कि ये हिस्सा ठंडा रहता है, पैर गर्म होते हैं। कई लोग बैठ के उठते हैं तो आँखों के आगे अंधेरा आता है। कई लोगों को लक्षण के रूप में नज़र आता है कि उनके कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, पेट ठीक नहीं रहता, पेट में गैस की समस्या तंग करती है, भूख नहीं लगती, ज़रा सा काम करते हैं थकावट महसूस होती है, घबराहट होती है, टेंशन ज़्यादा बनी रहती है, बेचैनी ज़्यादा बनी रहती है। एक इनके कारण में भी आप देखेंगे कि टेंशन के कारण भी ब्लड सर्कुलेशन हमारा कम हो जाता है। लेकिन अभी लक्षण बता रहा हूँ तो इस पे ध्यान रखना। शरीर में ऐसा लगता है हमेशा गिरा गिरा सा, टूटा सा, ज़रा सा काम करा थकावट महसूस होने लगती है। कई लोगों को इतनी ज़्यादा कमी आ जाती है कि उनकी याददाश्त शक्ति कमज़ोर हो जाती है, काम करते करते भूल जाते हैं कि क्या कर रहे हैं, आगे क्या करना है उनके वो। बहुत से लोग लक्षण बताते हैं कि जी हमारा ये अंग सुना है, सुन्न होया पड़ा है, ये अंग ठीक ढंग से काम नहीं करता। कई बार कई लोग करते हैं जी हमारे पैरों में सूनापन तंग कर रहा है, तो रक्त संचार की कमी के कारण ही होता है। अब मैं आपको कारण बताता हूँ। बहुत से लोगों को वेरिकोज वेन के कारण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है। वेरिकोज वेन में नसें बढ़ जाती हैं जिसके कारण उनके वाल्व ठीक ढंग से काम नहीं करते और उनको शरीर में रक्त संचार में कमी आ जाती है। कई लोगों को हृदय रोग के कारण भी ब्लड सर्कुलेशन शरीर में, धमनियों में, नसों में ठीक ढंग से नहीं हो पाता। कई लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण उनका खून गाढ़ा हो जाता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन में कमी आ जाती है। कई लोगों को एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से रोग होता है जिसके कारण धमनियों में, नसों में अपशिष्ट पदार्थ जिसे मैल कहते हैं वो जमा हो जाता है जिससे नसों में, धमनियों में ब्लॉकेज उत्पन्न हो जाती है। कई लोगों को मोटापा ज़्यादा होने के कारण भी नसों में, धमनियों में ब्लड सर्कुलेशन में कमी आ जाती है। कई लोगों को पेरिफेरल वेस्कुलर रोग होता है जिसके कारण नसों में, धमनियों में जगह जगह पिचक जाती है, स्ट्रक्चर हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता। कई लोगों को शुगर व थायराइड की बीमारी के कारण भी उनके शरीर में रक्त संचार अच्छे से नहीं हो पाता। कई लोगों को कारण के रूप में देखा जाता है कि टेंशन ज़्यादा रखते हैं, जैसे कहते हैं ना चिंता चिता के समान होती है, तो टेंशन ज़्यादा रखने के कारण भी उनको शरीर में खून का दौरा अच्छे से नहीं होता। इसी तरह कई लोगों को शरीर में खून की कमी हो जाती है, शरीर में विटामिन्स कम हो जाते हैं, कमज़ोरी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से उनके धमनियों में, नसों में खून दौरा कम होता है। कई लोग नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या कई लोग दारू का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, धूम्रपान ज़्यादा करते हैं, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं जिसके कारण नसें व धमनियाँ सख्त हो जाती हैं, उसके कारण भी खून का संचार अच्छे से नहीं हो पाता है। कई लोग बैठक का काम ज़्यादा करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते दिन में,
तो उसके कारण भी उनका ब्लड सर्कुलेशन नसों में धमनियों में कम पड़ जाता है, ठीक ढंग से नहीं हो पाता। कई लोगों को कारण के रूप में देखा जाता है, उनके खून में थक्का क्लॉट जिसे कहते हैं वो बन जाता है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन में कमी आ जाती है। कई लोगों के कारण में देखा जाता है कि ज़्यादा देर तक बैठक वाला काम करते, एक्सरसाइज नहीं करते, जिसकी वजह से उनको शरीर में नसों नाड़ियों में धमनियों में खून दौरा अच्छे से नहीं होता, खून दौरा की कमी हो जाती है, जिसे ब्लड सर्कुलेशन में कमी कहते हैं। अब मैं आपको घरेलू उपचार बता देता हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप रक्त संचार की कमी को दूर कर सकते हैं। अदरक का रस 1 चम्मच, लहसुन का रस 1 चम्मच, हल्दी का रस 1 चम्मच, कच्ची हल्दी, कच्ची अदरक और लहसुन की, मान लीजिए आपको 1 चम्मच ना निकले तो 4 से 5 लहसुन की कलियाँ छील के, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 1 इंच का ही कच्ची हल्दी का टुकड़ा मिक्सी में डाल के अच्छे से पेस्ट बनाइए और उसको कपड़े में छान के उस पेस्ट का रस निकाल लीजिए। उसमें 1 चम्मच शहद मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद चाटें। इससे ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ोतरी होती है और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। जिनके ब्लड सर्कुलेशन में कमी है उनके लिए तो ये रामबाण औषधि है, घरेलू औषधि। घरेलू औषधि में एक और चीज़ आती है, पान। पान के पत्ते का रस निकाल के 1 चम्मच पान के पत्ते का रस 1 चम्मच शहद मिला के इस्तेमाल करने से भी जो शरीर की नसों नाड़ियों में ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। अब मैं आपको आयुर्वेदिक औषधि बताता हूँ। आयुर्वेदिक औषधि में जायफल आपने 20 ग्राम लेना है, लौंग 20 ग्राम लेना है, दालचीनी 20 ग्राम लेनी है। तीनों चीज़ों को लेके पीस के पाउडर बनाइए। चौथाई चम्मच पाउडर 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद चाटिए। ऐसा करने से धमनियों में नसों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। अब मैं आपको रेडीमेड उपचार बताता हूँ। रेडीमेड उपचार उन्हें बताया जाता है जिनको समय नहीं है, जिनके पास या जिनके पास समय का अभाव होता है। बलवर्धक कैप्सूल, 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करने से नसें नाड़ियों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इस वीडियो में मैंने आपको 3 उपचार बताए हैं, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, रेडीमेड उपचार। इनमें से केवल एक उपचार करना है जो आपको आसान लगे, जो आसानी से आप कर सकें उसे करके अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं आपको परहेज़ बता देता हूँ, क्योंकि बिना परहेज़ के कोई भी औषधि असर नहीं करती है। टेंशन ज़्यादा मत रखें, ज़्यादा चाय कॉफ़ी या ज़्यादा मीठा या ज़्यादा नमक या ज़्यादा घी का इस्तेमाल मत करें। शराब धूम्रपान का इस्तेमाल मत करें। अब मैं आपको जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वो तरीके बताऊंगा। पहला, एक्सरसाइज। आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज, जॉगिंग कर सकते हैं, पैदल चलने वाली या साइकिलिंग, जिससे कि दिल की गति बढ़े और पंपिंग ज़्यादा हो, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए आपका। एक्सरसाइज किसी भी तरह की हो बहुत अच्छी मानी जाती है, इससे बीमारी भी दूर होती है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। दूसरा तरीका है, शरीर में नहाने से पहले अच्छे से मालिश करें। सर्दियों में तिल के तेल की मालिश करें और गुनगुने पानी से नहाएं। गर्मियों में नारियल के तेल की मालिश करें और नॉर्मल पानी से नहाएं। ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। पालक हो गया, चुकंदर हो गया, टमाटर हो गया, जो भी मौसम के अनुसार हरी सब्जियां आती हैं, जिसमें इस्तेमाल सूप के रूप में, सब्जी के रूप में, सलाद के रूप में, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। पानी पूरे दिन में 2 से 3 लीटर जरूर पिएं। 2 से 3 लीटर एक ही बार में ना पिएं, हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी पिएं। कम से कम 8-9 गिलास पानी एक दिन में हर इंसान को जरूर पीना चाहिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी रहता है ठीक और शरीर भी स्वस्थ रहता है, और जो वेस्ट पदार्थ है वो भी पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। अगला तरीका है, जो आपने पराली देखी होगी, पराली जो घास या पराली का जूना बना के नहाते समय अच्छे से हल्के हाथ से मसाज करें, तो उससे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। कई बार कई लोग पूछते हैं कि जी तेल की मालिश करें तो रगड़ के करें, ज़्यादा दबा के करें या हल्के से करें?
तो हल्के हाथ से करें, ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है। जितना तेल शरीर के अंदर रमना है वो रम जाएगा, ज़्यादा दबा के करेंगे तो नसें नाड़ियों को ब्लॉक करेगा। दूध में, एक गिलास दूध में चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी डाल के पीने से भी शरीर की नसें नाड़ियों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी रात को पानी में भिगो के सवेरे अच्छे से लेप करें और आधा घंटा छोड़ के धो दें, और धोते समय ऐसे हाथों को मस लें, तो इससे डेड स्किन भी उतर जाती है और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है। ग्रीन टी दिन में एक या दो आप इस्तेमाल करें तो उससे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और शरीर बीमारी से मुक्त हो जाता है। और लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।